आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट गुड़ की डली, हर सुबह एक मीठी बात। नमस्कार, मैं शिवानी अग्निहोत्री और आज की मीठी बात जुड़ी है हरियाणा से। हरियाणा के किसानों के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि खरीफ फसलों के लिए ज्यादा संसाधन जुटाने के लिए एवज में किसानों को राहत दी जाएगी। इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को 300 करोड़ रुपए की राशि बोनस के रूप में DBT के माध्यम से किसानों के खाते में जारी की जाएगी। इसके अलावा 550 करोड़ रुपए की राशि जल्द ही जारी की जाएगी। बता दें कि इससे पहले भी सरकार की ओर से 16 अगस्त 2024 को 496.89 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। हरियाणा सरकार की ओर से बारिश कम होने के कारण किसानों पर पड़े आर्थिक बोझ को कम करने के लिए 2000 रुपए प्रति एकड़ का बोनस दिया जा रहा है। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों से अनुरोध किया है कि वे प्राकृतिक खेती की ओर ध्यान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हमारे हित के लिए सर्वोपरि है। पिछले 10 सालों में सरकार बीज से लेकर बाजार तक किसानों के साथ खड़ी है और हरियाणा सरकार चालू खरीफ सीजन में धान और बाजरे के हर दाने की खरीद MSP पर कर रही है। अभी तक मंडियों में आए लगभग 52 लाख मीट्रिक टन धान में से 51,40,000 मीट्रिक टन धान की खरीद कर ली गई है। शेष बचे धान की खरीद भी नवंबर तक कर ली जाएगी। इसी प्रकार मंडियों में अभी तक 4,76,000 मीट्रिक टन धान बाजरे की आवक हुई, जिसमें से 4,67,000 मीट्रिक टन बाजरा MSP पर खरीद जा चुकी है। इसके अलावा मंडियों में मूंग की आवक भी शुरू हो गई है। अब तक 1,033 टन मूंग आया है, इसमें से 580 टन मूंग की खरीद की जा चुकी है। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही अच्छी और राहत भरी खबरों के लिए सुनते रहिए हमारा ये खास पॉडकास्ट गुड़ की डली।